फैमिली मैन और फर्जी जैसी औसत से भी ऊपर की वेब सीरीज बना के राज और डीके का वैसे भी ओटीटी की दुनिया में पहले से ही डंका बज रहा है। नेटफ्लिक्स पे कल रिलीज हो चुकी गन्स एंड गुलाब भी उसी राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है। नेटफ्लिक्स के लिए राज और डीके की ये पहली ही वेब सीरीज है। गन्स और गुलाब की कहानी ऐसे चारों दोस्तों की है जिनके आजू बाजू की दुनिया 90 के दशक का माहौल दिखाती है। अफीम के खेतों वाले गाँव से कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे चारकट आत्माराम एक आदमी का कत्ल कर देता है। वैसे भी वो उस इलाके का नामचीन गुंडा था, लेकिन मोटरसाइकिल की मरम्मत करने वाला उसका बेटा खोटी ही सही लेकिन उस क्रिमिनल की याद में थोड़े आंसू बहाते रहता है। जब उस क्रिमिनल की अंत्ययात्रा निकलती है तो उस इलाके का अफीम का सौदागर अपने बेटे के साथ में और अपने चेले चपाटों के साथ में उस जनाजे में पहुंचता है और इसी बीच में नारकोटिक ऑफिसर की भी वहां पे एंट्री होती है। अब कहानी में चारों तरफ से बहुत सारे मोड़ आने चालू हो जाते हैं। कैसे ये चारों एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, बस इसी घटना के इर्द गिर्द गुलाब एंड गन की कहानी टिकी हुई है। इसी बीच में उस गांव की इंग्लिश टीचर भी मोटर मैकेनिक के ऊपर फिदा है, ये चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। 1990 के दशक में जिन जिन लोगों की जवानी फूटी थी उनके लिए उस जवानी की गिनी चुनी झलकियां डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर कहानी में पात्रों का और घटनाओं का ठीक तरह से तारतम्य बैठा जाए तो इससे बढ़िया कोई भी फिल्म मेकिंग नहीं होगी। और यही बात शोले के रामगढ़ से लेकर गन्स और गुलाब के गुलाबगंज तक हर दफा साबित होती आ रही है। राज और डीके ने वेब सीरीज के डायलॉग्स में भर भर के गालियां देने की परंपरा इस वेब सीरीज में भी कायम रखी है। गालियों की बेचूत डायलॉगबाजी से इस वेब सीरीज को अपने परिवार के साथ देखना लगभग ना के बराबर की बात होने वाली है। लेकिन इस बार का मामला फर्जी से बेहतर है। फर्जी में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे बड़े बड़े एक्टर थे, लेकिन यहाँ पे गन्स और गुलाब की कहानी की खटिया चारों तरफ से राजकुमार दलकीर, आदर्श और गुलशन, इन्होंने चारों तरफ से बहुत मजबूती से संभाल कर रखी है। राजकुमार राव OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका टिपू पाना का किरदार हालात के बहुत ही जबरदस्त मजे ले रहा है। अपनी माशुका को खुशबू वाला लव लेटर लिखने में उसके अतरंगी किस्से निकल कर आते हैं। दलकीर शर्मा ने नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन का किरदार बहुत ही कड़क तरीके से निभाया है। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पारिवारिक एंगल में एक बिन बुलाए प्रेमिका भी है। फिल्म सीतारामम में जो दलकीर ने अभिनय किया है उसके बाद में बॉलीवुड के दरवाजे दलकीर के लिए बहुत बड़े मायने में खुल गए हैं। चारकट आत्माराम के किरदार में गुलशन देवैया खतरनाक खलनायक बने हैं। उनका ये रूप संजय दत्त के खलनायक जैसा ही है और नजरों में वही खोपे जो दुनिया से सताया हुआ है। आदर्श गौरव अफीम माफिया के बेटे के किरदार में दिख रहे हैं। वारिस होने की लड़ाई में बेवक्त शामिल होना उनके भविष्य में लिखा गया है, लेकिन सीरीज की कहानी जब आखिरी पड़ाव पे पहुंचती है तो उनकी असली चाल खुलकर सामने आती है। फिल्म अफवाह में पुलिस कांस्टेबल के तौर पे दिखी DJ बनू यहाँ पे इंग्लिश टीचर चंद्ररेखा के किरदार में दिख रही है। उनका अभिनय के ऊपर मुख्य रूप से फोकस है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेत्री सतीश कौशिक यहाँ पे अफीम माफिया के मुख्य सरदार के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके सतीश कौशिक को इस वेब सीरीज में फिर से देखना एक अलग ही हुक पैदा करता है। वो बहुत ही कमाल के अभिनेता थे। पूजा गौर, विपिन शर्मा और श्रेया धन्वंतरी ने अपने अपने हिस्से जो भी काम आए उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। राज और डीके अपनी वेब सीरीज में कहानी बताने की एक अलग ही कला दिखाते हैं। वो हमेशा की तरह ही इस वेब सीरीज के लिए दिमागी चुनौतियों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कहानी जब लगता है कि पटरी छोड़ रही है तब दर्शकों को और भी सजग होना पड़ता है कि न जाने कहां से एक सीन मिस हो जाएगा और सीरीज का पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। वेब सीरीज गन्स और गुलाब की कहानी 6 एपिसोड तक सीधे सीधे चलती रहती है, लेकिन 7वें और 8वें एपिसोड में कहानी में पहलों का ऐसा सैलाब आता है कि आप दंग से रह जाते हो। क्लाइमैक्स के साथ साथ बढ़े हुए हार्ट रेट को इस कहानी के साथ में शांत रखना बहुत ही असंभव सा लगता है। अमन पंत का पार्श्व संगीत वेब सीरीज के हर एक सीन को जोड़े रखने की कोशिश करता है। इस वेब सीरीज से अगर गालियां निकाल दी जाए तो ये वेब सीरीज 3.5% का स्टार लेने की हकदार है। 90 के दशक को ठीक ठाक तरीके से दिखाने वाली इस वेब सीरीज में कुमार सानू के रोमांटिक गाने लव लेटर्स, टंपा कोला और कैसेट से प्यार और लव स्टोरी वाली बातें, जी हाँ, ये सभी की सभी बातें दिखाई गई है। अफीम का व्यापार करने वाले दो गैंगस्टर के बीच में होने वाली डील्स, उनके बीच की लड़ाइयाँ, खून खराबे की झलक सीन दर सीन हमको देखने को ही मिलती है। ऐसे में जहन में ये सवाल उठता है कि 2023 में 1990 की कहानी आखिर क्यों देखनी चाहिए।
राज और डीके ने पिछले की वेब सीरीज की तरह ही इस वेब सीरीज के लिए यूनिक कास्टिंग की है। उन्होंने हर एक कैरेक्टर को अच्छा और बुरा दोनों साइड से दिखाया है, जिसके कारण हर किरदार दर्शकों से जुड़ा रहता है। चारकट आत्माराम के पास में इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गई? पाना टीपू के पिताजी आखिर बार टीपू से क्या कहना चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब वेब सीरीज में कहीं पे भी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन सीजन 1 के एंड में सीजन 2 के हिंट दिखाए गए हैं। लगता है कि राज और डिक के अगले सीजन में इन सवालों के जवाब जरूर देंगे। गंस और गुलाब ये वेब सीरीज आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई वेब सीरीज के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।